नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संदीप ई रिक्शा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक वीडियो है, ये देखिए, ये चार्जर का DC फैन है 12 वोल्ट। ये कई जगह लगा होता है, 12 वोल्ट का है, कई जगह मतलब जहाँ भी हीटिंग एरिया होती है वहाँ पे लगा होता है ठंडा करने के लिए। तो ये के पंखा है, पंखे तो देखिए दो हैं, लेकिन फिलहाल आज एक रिपेयर करके बताऊंगा और इसके अगले वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको भी रिपेयर करके बताऊंगा क्यों प्रॉब्लम था। देखिए, ये घूमने में बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, लेकिन जब ये चलता है तो ये बहुत ही आवाज करता है। ठीक है, तो इसकी आवाज को आज प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको चला के इसकी आवाज सुनाता हूँ। देखिए 12 वोल्ट ऑपरेट हो रहा है, देखिए देखिए आप सुन पा रहे होंगे इसकी आवाज को क्लियर ही, जिसमें कितना ज्यादा आवाज है इसमें। मैं यहाँ पे इसको सही से टाइट कर लूं, ये देखिए हमने टाइट कर लिया इसको, अब देखिए इसमें देखिए कितना आवाज है। ठीक है, अब इसमें आवाज कितना है, अब इसको कैसे है इसको फाइंड आउट करेंगे जिसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हमने इसका तार निकाल दिया। अब तार निकालने पर देखिए अब क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ओपन करने के लिए इसको क्या होता है, देखिए ये पीछे एक स्टिकर लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार का स्टिकर आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्टिकर को इसको निकाल लेना है और देखिए यहाँ पे एक लॉक है, बहुत ही बारीक है, शायद ये कैमरे में दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसके अंदर एक लॉक होता है, इस लॉक को निकाल लेना है। लॉक को निकालेंगे और इसको फैन को बाहर खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो इसको चलिए ओपन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कहाँ से प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, देखिए इसके लॉक को ओपन करने के लिए दो ट्वीजर ले लेंगे, इसमें बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसको आराम से धक्का मार देंगे, देखिए इजिली निकल जाएगा। ठीक है, लॉक इसका बहुत ही आसानी से निकल जाता है, उधर काउंटर की तरफ गया है लॉक, ये देखिए यहाँ पे है लॉक इसका, लॉक में दिखा दूं आपको, देखिए इस प्रकार का लॉक होता है इसका। ठीक है, ये देखिए, तो अब इसको ओपन करने के लिए देखिए हमने लॉक निकाल लिया, इसको पकड़ के बाहर खींचेंगे आराम से तो देखिए इजीली निकल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है इसके अंदर से, ये इसकी कॉइल होती है। ठीक है, इसके अंदर ये दो बैरिंग लगे होते हैं, देखिए ये बैरिंग ही सूखा होगा या कई कंडीशन में ऐसा होता है कि इसका बैरिंग भी होता है सूखा, और ये देखिए मेरे को तो लग रहा है कि इसकी कॉइल स्टेटरी आवाज कर रहा है, 101% यही आवाज कर रहा होगा। देखिए ये लूज है पक्का, 101% यही आवाज कर रहा होगा। इसमें क्या करते हैं, चलिए मैं इसको, ये देखिए ये इसकी बैरिंग है, इसमें होता कुछ नहीं है, बैरिंगों को आराम से इसमें देख लेंगे, इसको ग्रीसिंग वगैरह कर लेंगे। देखिए अभी तो ये फिलहाल बैरिंग स्मूथ है बिल्कुल ही, लेकिन इसको ग्रीसिंग करने का भी मैं इसमें बताऊंगा आपको जी, इसको ग्रीसिंग कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हमने इसको ओपन करने के बाद देखिए इसमें दो छोटे छोटे बैरिंग होते हैं, ये देखिए अब इसमें बैरिंग थे दो छोटे छोटे, और इसमें क्या था, इसका क्वाइल ढीला था, ये तो हमने आपको बताया था इसका क्वाइल ही आवाज कर रहा था। तो देखिए ना तो मेरे पास एल्फी था और ना ही इस टाइम मेरे पास ग्रीस है, तो हमने क्या किया, इसको ग्लू गन लगा के इसको चिपका दिया, इसको क्वाइल को ग्लू गन से चिपका दिया और ये जाम हो गया। अब हम इसको बात करते हैं जी ग्रीस का क्या उपाय करेंगे। देखिए गिरीज को देखिए मेरे पास इस टाइम बैरिंग तो ये सूखे हैं, इसी का आवाज वगैरह है बैरिंग वगैरह के, और कुछ इसमें खराब है नहीं। देखिए इसमें ये वाली बैरिंग होती है सामने, तो इसमें मैं सुनाऊं आपको, देखिए एक गिन गिन की हल्की हल्की आवाज कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, मेरे पास गिरीज तो है नहीं और ना ही एल्फी था, तो एल्फी की जगह तो हमने ग्लू गन लगा दिया, तो ग्रीस की जगह क्या करेंगे, ये देखिए बोरोलिन ट्यूब था मेरे पास, ये बोरोलिन ट्यूब लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये ट्यूब ही लगाना पड़ेगा, काम तो चलाना ही है इस टाइम, ये ट्यूब फिलहाल काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है, देखिए इसमें ट्वीजर से बहुत ही, देखिए ट्वीजर से आराम से इसको लगाएंगे अंदर से, हल्का एक साइड से सुराख करना पड़ेगा, इसमें लॉक होता है और ये देखिए ये बिल्कुल ही बारीक सा लॉक होता है, देखिए इजली ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक लॉक होता है, ये देखिए ये इसमें एक पतला सा लॉक होता है। ठीक है, ये लॉक गुम ना हो संभाल के रखिएगा, और ये देखिए जिस साइड से लॉक निकाला हमने, ये तो पता भी नहीं लग रहा, बहुत ही बारीक है, इस साइड से निकाला था। ठीक है, जिस साइड से लॉक निकाला था उसका कवर हम आराम से बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, देखिए इसका कवर निकाल लेंगे, देखिए
कुछ आप देखिए, एक बैरिंग बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ है, देखिए ये देखिए, ये बैरिंग बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे दिख नहीं रहा सही से, देखिए ये देखिए बैरिंग बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, बोरिन लगा के और इसको फिर लॉक लगा देंगे, दोनों बैरिंग में ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और लॉक बिल्कुल आराम से लगाएंगे क्योंकि पतला लॉक टूटे ना। लॉक लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका हल्का सा इस सापट पे बोरोलिन लगा देंगे, हल्का सा इस पे भी लगा देंगे ताकि ये भी फ्री हो जाए, और इसको लगा ग्रीसिंग करने के बाद उसके बाद फिट करने का तरीका मैं दिखाता हूँ और इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने देखिए क्या किया, इसके जो छोटे वाले बैरिंग थे दोनों को ग्रीसिंग कर लिया, ठीक है, अब हल्का सा बोरोलिन निकालेंगे बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, और इसके सापट पर लगा देंगे अच्छे तरह से। इसके सापर में देखिए एक स्प्रिंग होता है, देखिए स्प्रिंग लगाना जरूरी होता है, और इसको क्या करेंगे, पहले इसमें लगा देंगे, फिट कर देंगे, और इसको देखिए दबा के चेक कर लेंगे, बैरिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है, जाम नहीं होना चाहिए, और क्या करेंगे इसको आराम से इसमें देखिए इसको फिट कर देंगे बहुत ही आसानी तरीके से, और इसको क्या करेंगे, इसको दबा के यहाँ पे रख देंगे, नीचे हल्का सा कोई चीज रख लेंगे ताकि फैन दबा रहे और आसानी से फिट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं ये रख लेता हूँ नीचे इसके, और देखिए बैरिंग को इजिली सीधा करके इसमें रखेंगे, सीधा लगाएंगे, ये देखिए इसको सीधा रख के पतले वाले पेचकस से दबा देंगे इसको नीचे तक अंदर तक, और देखिए ये जाके बैठ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका लॉक लगा देंगे, लॉक बहुत आसानी से लगा देंगे, ठीक है, मैं इसका लॉक लगा के फिर आगे का वीडियो आपको इसको चला के दिखाता हूँ लाइव ही, मैं पाउंस नहीं करूंगा क्योंकि पाउंस करने में फिर आप बोलेंगे सर फैन वगैरह चेंज कहीं हो ऐसा तो नहीं, ये देखिए। और मैंने क्या किया आराम से, ये देखिए फैन को दोस्तों कोई भी फैन हो एक बार ओपन करके जरूर देखिए, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आप लोग तो आधे ज्यादा जैसे क्या करते हैं मैकेनिक भाई या दोस्त कुछ भी है, मतलब मैकेनिक भाई क्या करते हैं इस फैन को उठा के कूड़े में फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत आवाज करता है या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो उसको सॉल्व करने की बार कोशिश कीजिए, सॉल्व जरूर होता है। थोड़ी बहुत मान लीजिए अगर आईसी वगैरह खराब हो तो नहीं मिलता है, फिर तो रिपेयर नहीं हो पाता, लेकिन मान लीजिए जैसे ग्रीसिंग वगैरह का वाला काम था तो ये तो हो सकता है काम बिल्कुल ही, और ग्रीसिंग वगैरह हो गया मान लीजिए आपके पास ही पड़ा हुआ है तो रिपेयर ग्रीसिंग करने के बाद आप आराम से इसको 100 या 150 रुपए में किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसको घुमा लेंगे और इसकी आवाज सुनाता हूँ, देखिए मैं चला के इसको मैं कनेक्शन कर लूँ, पहले इसका मैं सीधा कनेक्शन यही कर लेता हूँ, देखिए ये वाला काला है, ये 12 वोल्ट का डीसी है फैन, एसी भी इसमें का आता है, एसी भी मैं बता दूंगा आपको, एसी इससे पहले एसी पे ही वीडियो बनाना था दोस्तों, लेकिन क्या हुआ जब उसको रिपेयर का वीडियो बना रहे थे तो आप अब सुन सकते हैं, देखिए इसकी आप सुन सकते हैं इसकी साउंड देखिए, और इसका हवा दिखा दूं मैं, देखिए मैं ये नॉर्मली ये कपड़ा रख रहा हूं मैं, ये देखिए आप देख रहे हैं इसकी हवा और इसकी आवाज देखिए बिल्कुल ही साइलेंट हो गई, ठीक है। तो देखिए इसमें यही छोटी सी कमी थी और इसमें कोई कमी नहीं थी, और इतने के वजह से ये फैन बिल्कुल किसी मिस्त्री ने निकाल दिया था इसको, और कस्टमर बोले 2-3 फैन थे उनके पास, बोलते हैं आप इसको देख लीजिएगा, अब ये इसमें छोटा सा काम था, या 50 या 60 रुपए अगर मिल रहे हैं तो करने में क्या क्या बुराई है दोस्तों, खाली है तो इसको रिपेयर कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और आप ये वाला वीडियो अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए ये कार्ड वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जो आईसी को कैसे फिट करें, तो ये वाली वीडियो आप देख लें, नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले वीडियो भी आप देख लीजिए मैंने कैसे इसको आयरन से फिट किया हुआ है, दोनों ही, ये एक बड़ा वाला असेंबली से फिट किया है और ये छोटा वाला आयरन से फिट किया है, तो आप इसका भी वीडियो देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ वो भी वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही।